Thank you. Okay. So, you know, मैडम जी आ जाइए मैडम जी नहीं नहीं मैडम जी कहाँ है मैडम कहाँ है मैडम जी इधर है ये बिल्कुल जिला सर इधर से स्टार्ट है यस सर इधर सेंटर सर इधर देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ मैडम जी इधर या या मैडम इधर और एक फिल्म या जिसकी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है या जिसको देखकर हमें पीछे देखने को मिला कितने एक्साइटेड हैं आप क्योंकि आप फिफ्थ अक्टूबर या बहुत एक्साइटेड हूँ फिफ्थ अक्टूबर को अंधाधुन आ रही है एंड और श्रीराम राघवन ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरे लिए काफ़ी अलग है थ्रिलर है मैंने पहली बार थ्रिलर की है और ये जॉनर में पहली बार आया हूँ तो इसलिए मैं इंटरनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ I'm in love with him all over again. So it's a new thing that he's portraying. I have बहुत excitement है. It's a new genre, like he said. So it's very, very exciting to see him in this thriller role and this thriller film. It's a very well-made film, and like I said, I fall in love with him. श्रीराम सर की जो भी फिल्म होती है काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी मतलब उसके अंदर ड्रामा और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपका कैसा एक्सपीरियंस था मेरा काफ़ी प्रिपरेशन रहा क्योंकि एक तो ब्लाइंड होने का प्रिपरेशन था दूसरा पियानो सीखने का प्रिपरेशन था और दोनों को कंबाइन करने का प्रिपरेशन था इट इज़ वेरी डिफिकल्ट शायद इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट और इतना मुश्किल कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं किया है तीन महीने तक मैंने पियानो सीखा तीन महीने तक मैंने ब्लाइंड स्कूल विजिट किया और एक ब्लाइंड पियानिस्ट से मिला और सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया फिल्म के अंदर सर क्या मतलब आपने मतलब और ज़्यादा उनके बारे में सीखा और अगर उस बारे में कुछ बताया कि मतलब ब्लाइंड लोग कैसे मतलब देखे बिना भी उनको मतलब पढ़ते हैं लिखते हैं उस बारे में क्या सीखा आपने आई थिंक ऑफकोर्स वो ब्रेल उनकी एक लैंग्वेज होती है जो आप छूकर वर्ड्स देख सकते हैं और हमारे देश में अब रिसेंटली ऐसा हुआ है कि लिफ्ट पे शायद ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा फ्रेंडली चीज़ें हैं या फिर पहले नहीं हुआ करता था अब डिसेबल्ड फ्रेंडली हमारी कंट्री पहले से ज़्यादा हो गई है विच इज़ ग्रेट लेकिन ये फिल्म जो है ये इतनी डार्क फिल्म नहीं है ये एंटरटेनिंग फिल्म है ये क्वर्की फिल्म है फिल्म के हर 7 मिनट में आपको कुछ एक्साइटिंग दिखने को मिलता है कुछ थ्रिल मिलता है सस्पेंस मिलता है सो ये फिल्म की खासियत है आई थिंक लास्ट ईयर मुझे बहुत टेंशन थी कि दो फिल्में बैक टू बैक आई थी बरेली की बर्फी शुभमंगल सावधान मुझे टेंशन थी कि शायद एक को इफेक्ट पड़ेगा पर थैंकफुली दोनों चल गई एंड दिस टाइम अराउंड मेरी टेंशन थोड़ी कम है क्योंकि लास्ट टाइम अच्छा हो गया था इस बार भी अच्छा होगा पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपकी रिलीज डेट अच्छी हो दोनों रिलीज डेट मुझे लगता है अच्छी हैं फिफ्थ को दो तीन फिल्में आ रही हैं काफ़ी अलग जॉनर की हैं और अच्छी रिलीज डेट है फिफ्थ अंधाधुन के लिए और बधाइयों के लिए 19 अक्टूबर पहली बार एक फेस्टिवल रिलीज हो रही है मेरे लिए सो इट्स ग्रेट कोई ऐसी चीज हाँ आई थिंक कोई भी चीज़ अंधाधुन में इतना नहीं करता मैं बहुत ही सोच समझ की चीज़ें करता हूँ फिल्में भी अंधाधुन नहीं करता हूँ बहुत पहले स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ समझता हूँ कुछ अलग स्क्रिप्ट में नज़र आए तभी करता हूँ तभी शायद मैं साल में सिर्फ 2 फिल्में करता हूँ और हर एक फिल्म में मेरे कुछ एक अलग
ट्रेलर से पता चल जाता है कि कुछ अलग है. तो आई थिंक अंधाधुन में वैसे कुछ नहीं करता हूँ, ये फिल्म अंधाधुन मैंने फिल्म की है अंधाधुन, लेकिन वैसे फिल्म में अंधाधुन नहीं करता. ओके लास्ट सर एक क्वेश्चन, जब से ये ट्रेलर आया लोगों में बहुत उत्साह है, बट हम देखा जा रहा है कि प्रमोशंस इतने नहीं हो रहे हैं. आई थिंक ये फिल्म का जॉनर ही ऐसा है क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर है, तो हम ज़्यादा बात कर ही नहीं सकते इसके बारे में. हर कोई ये पूछ रहा है आप अंधे फिल्म में हो या नहीं हो. और ये फिल्म का टेक्सचर है, सोची समझी एक हमारा वो था कि हमें इतना उसको आउट ऑफ द उसमें जाकर प्रमोट नहीं करना है. ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ की तरह चलेगी और लोगों को देख कर समझ आएगी कि क्या फिल्म है. इसलिए आई थिंक ये फिल्म का जॉनर ही यही है. क्या जी कुछ नहीं, आई थिंक सड़क क्रॉस कर रहा हूँ पोस्टर में और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा. लेकिन हाँ फिल्म के अंदर ये है कि एक बीइंग अ ब्लाइंड मैन मैंने एक मर्डर देख लिया है या मतलब विटनेस कर लिया है. यही एक फिल्म का एक सबसे क्वर्की चीज़ है कि एक अंधा आदमी मर्डर कैसे देख सकता है या फिर समझ सकता है. शायद आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है, कुछ होता है. और ट्रेलर में लिखा गया हर एक आर्टिस्ट का एक सीक्रेट होता है, इसका क्या सीक्रेट आपको फिल्म देखकर पता चलेगा. Thank you so much. चलिए ये अरे गलती हो गई तो हाँ आप कुछ बोल रहे थे. नहीं 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 बस इससे पहले कि हम अंधाधुन के बारे में पूछें उससे पहले एक सवाल ये कि हम ऐसा माने कि आप दोनों भाइयों ने इंडस्ट्री में अंधाधुन ओ यार ऐसे ना करो यार टच वुड गॉड हैज बीन काइंड आई थिंक एज पापा इज ऑल्सो हियर तो आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स में सब कुछ सही हो रहा है. सो यस आई मीन श्री डिड अ ग्रेट जॉब few weeks back and really looking forward to Andhadhun and Badhaiyo both. And I think Andhadhun ka jo trailer hai aur Badhaiyo ka trailer hai, dono ke dono kafi different world hai and I was looking quite different in it. And I think bhaiya has worked really hard especially on this film. Main dekh raha tha unki piano practice sab kuch wagera, bahut 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 mehnat ki hai is film ke liye. Okay sir, aap kaise excited hai dekhne ke liye kyunki bahut hi unique hai, first time aisa thriller genre sun ne try kiya. यार एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, स्पेशली बिकॉज जब मैंने पहली बार सुना था कि आयुष भाई फिल्म साइन करने वाले हैं, जब वो मुझे घर पे बता रहे थे, तो तब से ही एक एक्साइटमेंट थी दैट इस फिल्म में क्या होने वाला है, आयुष भाई किस प्रोसेस से यू नो ये सब करने वाले हैं, पियानो सीखने वाले हैं. तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है एंड प्लस श्रीराम राघवन सर के सभी फ़ैन हैं. आई थिंक द काइंड ऑफ सिनेमा हीज़ बीन डूइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स, तो ऑलरेडी एक्साइटमेंट बनी जाती है. अंधाधुन में खाता हूँ यार, अंधाधुन खाता हूँ नहीं खाता हूँ मतलब यार मैं अभी वैसे आज सुबह लखनऊ में सब टिक्के कबाब सब खा गया है, लखनऊ से सीधा आ रहा हूँ यहाँ पे. यार ऑलरेडी हमारी कुछ नरेशंस हो चुकी हैं लेकिन अभी तक वो स्क्रिप्ट मिली नहीं है जिसको देखकर मैं आपको जपी पाए कहूँ और कहूँ पाजी दिस इज द फिल्म. यार आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड जे सैम्यूल, ही इज बीन स्टाइलिंग मी. सो अभी वो इस समय लंदन में है और रास्ते में मुझे फोटोज भेज रहे थे कि दिस व्हाट यू हैव टू वेयर. तो मैंने कहा ओके. सो जब मैं पहुंचा तैयार हुआ फिर मैंने फोटो खींच के भेजी, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, कूल लग रहे हो चले जाओ. मैंने कहा ठीक है. यार इमोशनल इसलिए हो गए क्योंकि वहाँ पे एक अलग फैमिली बन चुकी थी, इसलिए इमोशनल हो गए थे. और साथ में क्या क्या ऐसा लगता है कि जब भी हम एक फिल्म करने जाते हैं ना, हम सब बंजारा हैं यार, जो अपनी फैमिली बना लेते हैं दो दो तीन तीन महीने बाद, तो फैमिली जब भी टूटते हुए नजर आती है उसके बाद कुछ टूटते हुए नहीं मतलब अपने अपने घर जाती है वापस दूसरे घर, तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है, इसलिए सब रोए थे. एक्टिंग
मैं अंधाधुन एक्टिंग करती हूँ, जब मुझे मौका मिले मैं एक्टिंग करती हूँ। हाँ, वो हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पर किसी एक के। तो बड़े कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म के लिए? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फॉर स्टार्टर्स, मैं श्रीराम सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे उनकी सारी फिल्में हद से ज़्यादा अच्छी लगी हैं। एंड सभी जानते हैं कि आयुष्मान मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त है, मेरी लिटरली परिवार है आयुष्मान, एंड मेरा वन ऑफ फेवरेट एक्टर्स भी है। आई लव टबू मैम एंड आई थिंक राधिका इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ, ये इतना एक्साइटिंग है दैट आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म। सो मैं फ्रेश पैर आया है ये मूवी के साथ, टप्पू मैम राधिका आपने, और फर्स्ट टाइम एक थ्रिलर जॉनर ट्राई करें आयुष्मान सर, तो उसके बारे में कहना चाहिए? जी, यही कहना चाहूँगी कि वो एक इतना उमदा एक्टर है कि वो कोई कैसी भी फिल्म कर ले, ही इज जस्ट गोना शाइन। सो आई कांट वेट टू सी व्हाट ही इज डन इन द फिल्म। बस मतलब वेट वेट के आगे आप लोग नहीं बढ़ोगे थे, आप बताइए। वो तो करना ही पड़ता है ना फिल्मों के लिए, यू हैव टू कीप चेंजिंग योरसेल्फ। अरे लोग तो क्या क्या नहीं कहते, लोगों ने तो ये भी कहा था इतनी क्यों बड़ी हो गई, अगर मैं उनकी बात सुनने लगती तो मैं आज याद थोड़ी ना होती। देयर इज अ लॉट, द वंस आई कैन स्पीक अबाउट, ऑब्वियसली सोन चिड़िया इज अबाउट टू रिलीज वेरी सून इन फैक्ट, एंड देन देयर इज तक एंड द रेस्ट यू ऑलवेज नो इन अ फ्यू वीक्स एवरीथिंग। या थैंक यू।